औषधि देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सब की वाणी दे, जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाए, प्यासी धरती को पानी दे, हम मेहनत के दीप जलाकर, हम के बाद किसी शहर में उन्होंने सर्वाधिक समय अगर बिताया होगा तो वो राजस्थान है। कलकत्ता के बाद किसी स्थान में उन्होंने सबसे अधिक भारत की संत परंपरा क्या है और विवेकानंद जी के बारे में जानकर के बच्चों को बहुत बेहद खुशी दिखाई दे रही है, बहुत बच्चे हैं, अच्छा लग रहा है बूंदी से। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन राघव शर्मा और सर्वप्रथम टेक्निकल विद्यालय के अंदर विवेकानंद संध्या की यात्रा का उद्घाटन हुआ। मैं और फिर इस तरह से सेंट पाउल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी सदस्यगण, विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक, विवेकानंद जी के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए गौरव अनुभव कर रहे थे। अद्भुत। साथ सेंट पाउल स्कूल बूंदी के प्रधानाचार्य फादर प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया वैसे हुआ, और बच्चों ने जो भी यहाँ उपदेश दिया गया, जो भी उनके बारे में बोला गया, बच्चों ने सुना और वो ध्यान से सुना, इसलिए जब सवाल पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे थे जवाब देने के लिए लेकिन सबको इनाम नहीं मिले, लेकिन ये बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमारे लिए हमारे लिए इंकरेजमेंट था सही मार्ग को अपनाने का और उस मेडिटेटिव पावर पर ध्यान देने का। एक मिशनरी विद्यालय के अंदर स्वामी जी का संदेश ये बताता है कि स्वामी जी पूरे विश्व को स्वीकार्य थे और सभी धर्मों और जातियों से ऊपर उठ करके उन्होंने अध्यात्म का, जो भारत का संस्कृति का जो ज्ञान फैलाया वो बूंदी के अंदर, ये सारे आयोजक मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और बच्चे इतने एक्साइटिंग थे और जो स्वामी जी का संदेश उनको मिला उसके प्रति वो बहुत हर्ष हुआ उनको। जो संदेश आज इस स्कूल में स्वामी जी का टीम द्वारा दिया गया वो अभूतपूर्व था। आज तक बूंदी के इतिहास में किसी मिशनरी स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। ये दिखाता है कि स्वामी जी की पहुंच सभी जनों से बाहर उठकर के भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले शिकागो में जिस तरह से उनकी पहुंच थी, आज बूंदी में भी सभी धर्मों संप्रदाय से ऊपर उठकर के भारतीय संस्कृति का परचम स्वामी जी ने लहराया और उसके लिए ये आयोजक मंडल बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद।